तो क्विक अपडेट पे बात कर लेते हैं इज़रा मिलर के कैरेक्टर फ्लैश के बारे में। तो आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं आपको ये काफ़ी बड़ी और बैड न्यूज़ बता रहा हूँ, बट ऑफिशियली वॉर्नर ब्रदर्स ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि इज़रा मिलर आगे चल के हमें एज अ फ्लैश नहीं दिखाई देंगे। यानी कि जो आने वाली फ्लैश मूवी है जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी वो उनकी लास्ट मूवी होगी। बट यहाँ पर फिलहाल ये भी कन्फर्म नहीं है कि ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी यानी या फिर ये मूवी पूरी तरह से जो है स्क्रैप में चली जाएगी, क्योंकि आए दिन इज़रा मिलर की नई नई कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से वॉर्नर ब्रदर्स जो कि काफी बड़ी कंपनी है वो अपनी इमेज खराब नहीं करेगी। और हम जैसे फैंस जो रिस्टोर द स्नाइडर वर्स की उम्मीद लगाकर बैठे थे, यहाँ पर वो सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, क्योंकि आगे चलकर अगर मान लीजिए फ्लैश अगर रिबूट भी होता है तो इज़रा मिलर का जो कैरेक्टर है वो हमें आगे दिखाई देने वाला नहीं है। साथ ही इतनी बड़ी अगर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है और ये सारी चीज हो रही है, और मुझे लगता है कि डीसी को फिलहाल एक सॉफ्ट रिबूट दे देना चाहिए, क्योंकि अभी डीसी के पास काफी सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं जस्ट लाइक ब्लैक एडम की तरह। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट रिबूट दे देना चाहिए और आगे चल के डीसी को जो अच्छी तरह से जो संभालना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस अपडेट के?